हेलो। हाँ जी बच्चों, हाउ आर यू? तो बच्चों, इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए। क्वेश्चन आपके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से लिया गया है। एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, राइट? और अगर आपने हमारी क्लासेस की होंगी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको हमारी पुरानी वाली क्लास के जैसा लगेगा, और इस क्वेश्चन के थ्रू आप इस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट? सो इक्विवेलेंट यूनिट्स, आपको याद होगा प्रोसेस अकाउंट्स के अंदर हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स किया था, तो वही यहां पर यूज किया जा रहा है। प्रोसेस अकाउंट विद इक्विवेलेंट यूनिट्स। एंड क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन रीड करते हैं। एंड क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय एबीसी कंपनी फॉर प्रोसेस टू ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। सो प्रोसेस टू है बच्चों, प्रोसेस टू मतलब गुड्स ऑलरेडी प्रोसेस वन से ट्रांसफर ऑलरेडी होके आए हुए हैं, और अब हम जो आपके साथ बातें कर रहे हैं वो प्रोसेस टू के बारे में कर रहे हैं, राइट? प्रोसेस टू ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस निल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस निल। यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वन 55,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रूपीज 3,27,800। 3,27,800 डिवाइडेड बाय आप 55,000 करेंगे तो 5.96 रुपीज आ जाता है, हालांकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंडिचर्स डेबिटेड टू प्रोसेस टू अकाउंट वी हैव 157,200 कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स मतलब कि प्रोसेस टू में हमने जो नया रॉ मेटेरियल एड किया है वो इतने रुपीज का है। लेबर वी हैव 104,000, ओवरहेड्स वी हैव 52,000, एंड यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, और जो नंबर्स ऑफ यूनिट्स एंड दीज आर 51,000 यूनिट्स। एंड क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 2,000 यूनिट्स। तो बच्चों क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी गिवन है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है, कंज्यूमेबल्स 80%, लेबर 60% एंड ओवरहेड 60%। तो बच्चों आपके पास कंज्यूमेबल, लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए परसेंटेज कंप्लीशन भी क्वेश्चन में गिवन है। यूनिट स्क्रैप्ड, तो बच्चों यूनिट स्क्रैप कितनी हुई, मतलब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, यूनिट स्क्रैप मतलब कितनी यूनिट्स हमारी वेस्ट हो गई है, खराब हो गई है। सो दीज आर 2,000 यूनिट्स। तो बच्चों ये नहीं कह रहा कि ये यूनिट्स हमारी नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं, क्वेश्चन ने कहा है कि ये यूनिट्स हमारी वेस्ट हो गई हैं, खराब हो गई है, ओके। वर सोल्ड एट रुपीज 5 पर यूनिट, जिसको बेचा जा सकता है 5 रुपए पर यूनिट में, एंड नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। तो बच्चों हमारे पास जो नंबर्स ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हैं, मतलब वो यूनिट्स जो प्रोसेस वन से ट्रांसफर होके आई है, और वो कितनी है 55,000। तो बच्चों ये जो 55,000 यूनिट्स हैं, इसका हम लोग 4% कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों 55,000 का आप अगर 4% करेंगे तो मेरे पास कैलकुलेट होके आ रहा है 2,200 यूनिट्स। तो दीज आर द नॉर्मल लॉस। आपको याद होगा इसको हम लोग कहां लिखते थे, राइट हैंड साइड में, और इसकी वैल्यूएशन कैसे करते थे, स्क्रैप यानी कि स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट के अकॉर्डिंग, राइट? करना क्या है, क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू, नंबर वन, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब वी हैव टू कंप्यूट द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, राइट? नंबर टू, डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट, आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, और तीसरा काम करना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री, और इसके साथ साथ आपको फाइंड करना है कि हम लोग कितने यूनिट्स प्रोसेस थ्री में ट्रांसफर करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो ऑल दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ऑल दिस वी हैव टू डू। तो बच्चों कैसे करेंगे, लेट्स सी दिस। हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए, राइट? एंड फोर्थ ए में हम लोग करने जा रहे हैं, बच्चों सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, हालांकि इस प्रोसेस अकाउंट की रिक्वायरमेंट हमारे क्वेश्चन में नहीं है। हमारा क्वेश्चन आपको प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करवाने करने के लिए नहीं कह रहा है, बट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इसको इजी वे में समझ सकें, आप इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकें, आप इसको वर्किंग नोट में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? सो आपको याद होगा हमने 3 कॉलम बनाए थे, पहला कॉलम यूनिट्स, एंड देन नेक्स्ट कॉलम कॉस्ट पर यूनिट, एंड नेक्स्ट कॉलम अमाउंट, है ना? एंड अगेन यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, एंड नेक्स्ट कॉलम अमाउंट, राइट? सो दिस इज इन रुपीज एंड दिस इज ऑल्सो इन रुपीज। सो बच्चों ये प्रोसेस टू अकाउंट बन गया,
राइट। अब इसके बाद जैसे जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहां पर रिप्लेस करते जाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस निल, तो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी निल है तो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी एंड दिस इज निल। और बच्चों अगर ये ओपनिंग डब्ल्यू आई पी ही निल है तो फीफो लीफो या एवरेज मेथड का कोई काम नहीं है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, वो तो तभी यूज हो सकता है जब हमें फीफो मेथड, जब हमें ओपनिंग डब्ल्यू आई पी गिवन हो। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी गिवन नहीं है तो फीफो मेथड एवरेज मेथड किसी मेथड को यूज करने का कोई काम नहीं होगा। ओके, यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन, प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में जो यूनिट्स ट्रांसफर होकर आई है वो इतनी है, तो वो हमने डेबिट में लिख दिया टू टू यूनिट्स यूनिट्स फ्रॉम प्रोसेस प्रोसेस वन। तो यूनिट्स जो प्रोसेस वन से ट्रांसफर होकर आई हैं वो यूनिट्स कितनी है बच्चों, 55,000 यूनिट्स, और इनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास कितनी है, 327,800 सो दीज आर द वैल्यू राइट। अगर इसको पर यूनिट फाइंड करेंगे तो आप इसको पर यूनिट के फॉर्मेट में भी ऑलरेडी तो भी लिख सकते हैं, सो डिवाइड बाय 55,000 एंड दिस इज 5.96। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, चल जाएगा। और बच्चों आपको याद होगा हमने सीखा था कि ये जो यूनिट्स यहां पर ट्रांसफर हुई है प्रोसेस टू में, ये प्रोसेस वन की रिस्पेक्ट से कितनी कंप्लीट हो चुकी होंगी, 100%। प्रोसेस टू में जो यूनिट्स ट्रांसफर होके आई है वो प्रोसेस वन की रिस्पेक्ट से कितनी कंप्लीट हो चुकी होंगी, 100%। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर्स डेबिटेड टू प्रोसेस टू, तो हमारे प्रोसेस टू के अंदर जो एक्सपेंडिचर्स डेबिट हुए हैं वो इस प्रकार है। तो बच्चों डेबिट साइड में लिखा हुआ है आपके पास सबसे पहले कंज्यूमेबल्स, तो कंज्यूमेबल्स आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दिस इज अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, और इसकी जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 157,200। ठीक है, और इसके अलावा हमें गिवन है लेबर, तो लेबर भी लिख लेते हैं, दिस इज 1,04,00 एंड वन मोर, एक और है आपके पास क्या, ओवरहेड, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दीज आर 52,000। तो जितने भी डेबिट में हमने लिखा है ये सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि प्रोसेस टू में हमने ट्रांसफर कर दिए हैं, और हमारा जो आउटपुट होगा वो कहां पर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो लिखा हुआ है यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री, तो वो यूनिट जो कि प्रोसेस थ्री में ट्रांसफर की जाने वाली है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रोसेस थ्री। और प्रोसेस थ्री में जो यूनिट्स ट्रांसफर की जाने वाली हैं वो कितनी यूनिट्स हैं, दीज आर 51,000 यूनिट्स, दीज आर 51,000 यूनिट्स। तो जो ये यूनिट 51,000 है, और इसके अलावा लिखता है क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी यूनिट्स, तो वो जो ये जो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है इसको भी आप क्रेडिट साइड में लिखेगा क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी यूनिट्स, एंड दीज आर ये कितनी यूनिट्स हैं, 2000, दीज आर 2000 यूनिट्स। और वो जो इस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी यूनिट्स के रिस्पेक्ट से हमें गिवन है कि हमारा क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कंज्यूमेबल्स की रिस्पेक्ट से कंप्लीट हो चुका है 80%, लेबर की रिस्पेक्ट से कंप्लीट हो चुका है 60%, एंड ओवरहेड्स की रिस्पेक्ट से कंप्लीट हो चुका है कितना, 60%। ठीक है, यूनिट स्क्रैप्ड, इसको लिखता है यूनिट स्क्रैप, तो यूनिट स्क्रैप मतलब कितनी यूनिट हमारी खराब हुई हैं, राइट, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस, पहले नॉर्मल लॉस को लिख लेते हैं, और नॉर्मल लॉस कितना है, 4% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। तो बच्चों जो ये 4% ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं किस नाम से, नॉर्मल लॉस, राइट, एट द रेट ऑफ 4%, राइट। तो बच्चों 4% किस चीज का होगा, यूनिट्स इंट्रोड्यूस का, यानी कि 55,000 का, राइट। तो बच्चों नॉर्मल लॉस निकाल लीजिए, फाइंड कर दीजिए, सो दिस इज नॉर्मल लॉस, एंड नॉर्मल लॉस यूनिट्स आर 5% ऑफ 55,000, और बच्चों कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाता है, 2200 यूनिट्स, दिस इज 1000। तो बच्चों 2200 यूनिट्स आपके पास नॉर्मल लॉस आ गया,
अब तो जो भी नॉर्मल लॉस है उसको हम कॉस्ट पर यूनिट, हम लोग कौन सी वैल्यूएशन से यहां पर शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्क्रैप वैल्यू। और बच्चों स्क्रैप वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्क्रैप वैल्यू है डेट इज रुपीज 5 पर यूनिट, डेट इज रुपीज 5 पर यूनिट। तो 5 रुपीज के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो 2200 इंटू 5 एंड दिस मीन्स 11,000। 11,000 इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस, राइट। बच्चों नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो कि हमारा एस्टिमेटेड लॉस है, ठीक है। अगर हमारा एस्टिमेटेड लॉस 2200 यूनिट्स का है और हमारा एक्चुअल लॉस हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है यूनिट्स एक्चुअली स्क्रैप्ड इज 2000 ओनली, तो इसका मतलब हुआ कि जो 2200 यूनिट्स में से 2000 यूनिट्स खराब हो गई तो बाकी 200 यूनिट्स हमारी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग खराब नहीं हुई। तो इसका मतलब बच्चों बाकी जो 200 यूनिट्स बचे वो क्या चीज है, इट विल बी एबनॉर्मल गेन। आई रिपीट अगेन, हमने ये एस्टिमेट किया कि 4% हमारी यूनिट्स लॉस होगा तो 55,000 का 4% 2200, दिस इज आवर एस्टिमेशन। बट क्वेश्चन सेज दैट द यूनिट्स स्क्रैप्ड इज ओनली 2000 यूनिट्स, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा एस्टिमेशन तो 2200 यूनिट्स के खराब होने का था जबकि एक्चुअल में यूनिट्स खराब हुई है 2000 ओनली। तो बाकी जो डिफरेंस बच गया है यानी कि 200 यूनिट्स, वो यूनिट्स हमारी एक्चुअल में खराब नहीं हुई। तो जो यूनिट्स हमारी खराब नहीं हुई हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। और आप इस एबनॉर्मल गेन को कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो आप एबनॉर्मल गेन को डेबिट साइड में लिखेंगे एंड क्योंकि ये 200 यूनिट्स हैं तो इसको आप डेबिट साइड में 200 लिख देंगे, राइट। और बच्चों अब आपको क्वेश्चन कहता है कि जितनी भी वर्किंग्स मतलब जितनी भी क्लोजिंग स्टॉक्स हैं यानी कि क्लोजिंग WIP यानी कि ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री एंड ऑल्सो द एबनॉर्मल गेन, इन सब की आप वैल्यूएशन कैलकुलेट कीजिए, इन सब की आप वैल्यूएशन कैलकुलेट कीजिए। तो आप इन सब की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर्पज के लिए बच्चों हम लोग तीन स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। तो बच्चों यही तीन स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन में बेसिकली पूछी गई है, राइट। लेट अस स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, राइट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, क्योंकि ये फीफो मेथड नहीं है इसलिए पहला कॉलम जो बनेगा दैट इज पर्टिकुलर्स एंड देन यूनिट्स, राइट। आपको याद होगा इसके बाद हम लोग जितने भी तरह की कॉस्ट खर्च कर रहे हैं उन सभी के सभी कॉस्ट के रिस्पेक्ट से हम लोग कॉलम बना देंगे, राइट। आपके पास इस प्रोसेस के अंदर जो कॉस्ट है, एक तो वो कॉस्ट है जो कि प्रोसेस वन से ट्रांसफर होके आई है, राइट। वो कॉस्ट है जिसको कि प्रोसेस वन से ट्रांसफर होके आई है। बच्चों एक काम करते हैं, प्रोसेस वन से जो कॉस्ट ट्रांसफर आई हुई है कॉस्ट है, इसको हम लोग कुछ कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट इट इज मटेरियल वन, दिस इज मटेरियल वन। तो बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया मटेरियल वन, राइट। और बच्चों ये आप एज्यूम एजम्पशन जो है इसको आप लिख भी लीजिए, आप लिख लीजिए दैट यूनिट्स फ्रॉम प्रोसेस वन इज इक्वल टू मटेरियल वन एंड इन मटेरियल टू, ठीक है। तो ये जो कंज्यूमेबल्स हैं इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मटेरियल टू, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमने कहा हमने इसको मटेरियल टू नाम दे दिया है, आप चाहें तो इसको मटेरियल ए बी भी कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मटेरियल वन हो गया, मटेरियल टू हो गया, लेबर एंड ओवरहेड, क्योंकि लेबर एंड ओवरहेड का परसेंटेज कंप्लीशन हर जगह पर सेम है तो आप लेबर एंड ओवरहेड के लिए एक ही कॉलम बना सकते हैं, राइट। और बच्चों इसके बाद हम लोग अब दो दो कॉलम्स और बनाएंगे, जैसे कि आपको मालूम होगा परसेंटेज एंड देन ईयू, आप पूरा लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड अगेन परसेंटेज कंप्लीशन
एंड EU इक्विवेलेंट यूनिट्स परसेंटेज कंप्लीशन एंड EU आप पूरा लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों सबसे पहले हमने कहा सबसे पहले जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले तो वो गुड्स जो कि हमने प्रोसेस थ्री में ट्रांसफर किया है, सबसे पहले वो गुड्स जो कि हमने प्रोसेस थ्री में ट्रांसफर किए हैं। तो वो जो प्रोसेस थ्री में तो वही गुड्स ट्रांसफर किए होंगे प्रोसेस टू से, जो कि हर रिस्पेक्ट से 100% कंप्लीटेड है, राइट। तो हम लोग ये कहेंगे दैट ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री, राइट। और प्रोसेस थ्री में जो यूनिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं उनके जो नंबर्स और यूनिट्स हैं ये हमें बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 51,000, और परसेंटेज कंप्लीशन इनका जो है हमारा हर रिस्पेक्ट से कितना है 100%। तो अगर 100% है तो 100% ऑफ 51,000 कीजिए, इट विल बी 51,000। 100% ऑफ 51,000 कीजिए, इट विल बी 51,000। 100% ऑफ 51,000 कीजिए, इट विल बी अगेन 51,000। So it will be 51,000 for with respect to each and every cost, ठीक है। इसके बाद हमने कहा WIP यानी कि क्लोजिंग WIP, सो क्लोजिंग WIP लिख देते हैं। और जो ये क्लोजिंग WIP है ये यूनिट्स कितनी है, ये दीज आर द बेसिकली 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, राइट। अब ये क्लोजिंग WIP कितनी कितनी परसेंटेज से कंप्लीट हो चुका है इसके लिए हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है। कंज्यूमेबल्स के रिस्पेक्ट से 80% कंज्यूमेबल्स, आपको याद होगा हमने मेटेरियल टू माना है, राइट। तो कंज्यूमेबल्स के रिस्पेक्ट से यानी कि मेटेरियल टू के रिस्पेक्ट से 80% एंड लेबर एंड ओवरहेड के रिस्पेक्ट से 60-60%। तो बच्चों यहां पर लिख देंगे 60-60%, राइट। सो 80% हो जाएगा 1600, 60% हो जाएगा 1200, राइट। अब मेटेरियल वन के रिस्पेक्ट से हमारे क्लोजिंग WIP कितना कंप्लीट हो चुका है यह हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इनफैक्ट गिवन होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो क्लोजिंग WIP यहां पर हमारे प्रोसेस टू का है वो प्रोसेस वन के रिस्पेक्ट से तो ऑलरेडी 100% कंप्लीटेड है। जो क्लोजिंग WIP हमारे प्रोसेस टू का क्लोजिंग WIP है वो प्रोसेस वन से ही ट्रांसफर होकर आया होगा, तो वो प्रोसेस वन में तो ऑलरेडी 100% कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो देयर इज नो नीड टू से कि ये हमारा क्लोजिंग WIP हमारा प्रोसेस वन के रिस्पेक्ट से कितना कंप्लीट हुआ होगा, इट इज 100% कंप्लीटेड, ऑलरेडी हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा एक राइट हैंड साइड में एक चीज और है, दैट इज नॉर्मल लॉस, राइट। तो नॉर्मल लॉस भी लिख देते हैं, और ये नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का है, 2200 यूनिट्स, राइट। और बच्चों ये नॉर्मल लॉस आपको याद होगा, आपको मैंने कहा था कि नॉर्मल लॉस का बर्डन हम लोग कस्टमर पर ट्रांसफर नहीं करते हैं, आप क्योंकि कस्टमर पर ट्रांसफर नहीं करते हैं तो इसलिए हम इसको कितना परसेंटेज कंप्लीशन मानते हैं, 0%, चाहे वो क्वेश्चन कुछ बता दे या क्वेश्चन कुछ ना बताए, राइट। ये 100% था ना, 2000, राइट। और आगे चलते हैं, नॉर्मल लॉस हो गया, क्लोजिंग WIP हो गया, प्रोसेस थ्री हो गया, राइट। एक चीज बच गई है, क्या बच गया है, एबनॉर्मल गेन। तो बच्चों आपको याद होगा इस एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखकर ब्रैकेट में शो करेंगे, और ब्रैकेट में कितनी यूनिट्स हैं, ये 200 यूनिट्स। अब एबनॉर्मल गेन के रिस्पेक्ट से ये नहीं लिखे, नहीं गिवन कि हमारा एबनॉर्मल गेन कितना कितना परसेंटेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि एबनॉर्मल गेन विल बी कंसिडर्ड टू बी 100% कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कॉस्ट, राइट। तो बच्चों 100% एंड अगेन 100% एंड अगेन 100%। तो बच्चों ये हो गया 200 यूनिट्स एंड 200 यूनिट्स, और एबनॉर्मल गेन हम लोग माइनस करते हैं, माइनस में लिख दिया, और बस ये आपके पास आ गया इक्विवेलेंट यूनिट्स। राइट, कैलकुलेशन बची है तो कैलकुलेशन आप लोग डेफिनेटली इजीली कर सकते हैं, 51,000 प्लस 2,000 एंड माइनस 200, सो दिस इज 52,800, एंड अगेन 51,000 प्लस 1600 माइनस 200, दिस इज 52,400, राइट। 51,000 प्लस 1200 एंड माइनस 200, तो बच्चों ये आ जाता है 52,000, राइट।
सो बच्चों हमने फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली है, हमने हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है जिसमें कि कहा गया था दैट वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये लेट हटा देते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। इसके बाद हमारा दूसरे स्टेटमेंट, और दूसरे स्टेटमेंट में हमें बनानी होगी स्टेटमेंट ऑफ, जो कि हमारे क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट भी है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहले देखिए आपके पास जो मटेरियल वन है, जो आपके पास मटेरियल वन है उसकी कॉस्ट कितनी है, वी हैव 327,800। ठीक है, और बच्चों आपको याद होगा हमने ये भी सीखा था कि आपके पास जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है, उस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को हम लोग मटेरियल वन की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। राइट, वैसे मटेरियल में से माइनस कर देते हैं तो हम लोग मटेरियल वन में से माइनस कर देते हैं। सो लेट अस सबट्रैक्ट स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, और स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कितने रुपीज का अमाउंट, 11,000 का, तो 11,000 हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। सो दिस इज वी हैव 327,800 माइनस 11,000, और बच्चों ये बन जाता है 316,800। ठीक है, और इसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स भी लिखिएगा 52,800, और आप इनको डिवाइड कर देंगे 52,800, एंड दिस कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स इज रुपीज 6। मटेरियल वन के रिस्पेक्ट से जो हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स का अमाउंट ट्रांसफर करना है दैट इज रुपीज 6। ठीक है, और आगे चलेंगे, नेक्स्ट इज मटेरियल टू, मटेरियल टू। राइट, और मटेरियल टू में जो कॉस्ट है यानी कि हमारी कंज्यूमेबल्स का अमाउंट, तो ये अमाउंट हमें ऑलरेडी मालूम है 1,57,200। राइट, और जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं ये भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 52,400, तो ये भी रिप्लेस कर दीजिए, एंड जस्ट डिवाइड दिस टू 157,200 डिवाइडेड बाय 52,400, तो बच्चों दिस इज रुपीज 3, दिस इज 3 पर यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद लेबर एंड ओवरहेड, आप इस लेबर एंड ओवरहेड को कंबाइन कर सकते हैं, क्यों कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज कंप्लीशन दोनों का एक जैसा है। राइट, और लेबर एंड ओवरहेड को अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट बनती है दैट इज 1,56,000। राइट, और इक्विवेलेंट यूनिट्स भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 52,000, सो डिवाइड कर देंगे बच्चों 156,000 डिवाइडेड बाय 52,000, एंड दिस इज रुपीज 3 अगेन, दिस इज रुपीज 3 अगेन। तो बच्चों आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गया, मतलब आपके पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गया 6, 3 एंड 3। राइट, तो बच्चों आपने सेकंड स्टेटमेंट बना ली, हमारे क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट को भी आपने कंप्लीट कर दिया। राइट, अब हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट थी हमारे पास वैल्यूशन की, कि आपको कैलकुलेशन करना है कि क्लोजिंग WIB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रोसेस 3 की वैल्यूशन क्या होनी चाहिए, एबनॉर्मल गेन की वैल्यूशन क्या होनी चाहिए। तो इस पर्पज के लिए बच्चों हम लोग एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। सो लेट अस प्रिपेयर दिस, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में सबसे पहले हम लिख देते हैं स्टॉक, हमें कौन से स्टॉक की बात करनी है, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं इसके कंपोनेंट्स, हमारे इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। राइट,
एंड देन इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड देन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स. एक काम करते हैं कि इसको हम लोग यहां नहीं बनाते, सब छोटा स्पेस हो जाएगा. लेट्स प्रिपेयर दिस हियर. ठीक है, स्टॉक कंपोनेंट एंड देन ए इंटू बी. राइट, तो जो सबसे पहला आपके पास जो स्टॉक है वो कौन सा है? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी. सबसे पहला जो स्टॉक है वो क्या है आपके पास? क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस. राइट, अब जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर जैसे कि आपको मालूम है कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होगी इसमें. जो कॉस्ट हमारी प्रोसेस वन के ट्रांसफर होकर आई है वो भी इंक्लूड होगा, जो प्रोसेस टू में हमने इंक्लूड की है वो भी इंक्लूड होगा, लेबर भी इंक्लूड होगी एंड ओवरहेड भी इंक्लूड होंगे. तो बच्चों इन सभी को यहां पर कंसिडर किया जाएगा वन बाय वन. तो हमने कहा इसका जो कंपोनेंट है वो तो है एक तो मेटेरियल वन, दूसरा कंपोनेंट मेटेरियल टू, तीसरा कंपोनेंट लेबर एंड ओवरहेड्स. राइट, इक्विवेलेंट यूनिट्स मेटेरियल वन के रिस्पेक्ट से बच्चों क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने यूज हो रहे हैं मेटेरियल वन के? 2000. तो आप 2000 कंसिडर करेंगे. क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के मेटल टू के कितने कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं यूनिट्स? 1600. और लेबर एंड ओवरहेड के कितने यूनिट्स हैं? दीज आर द 1200. तो इन इक्विवेलेंट यूनिट्स को आपने लिख दिया. इसके बाद कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं. सो यू हैव इट्स रुपीज 6 एंड रुपीज 3 एंड वन मोर रुपीज 3. मल्टीप्लाई भी कर दीजिए बच्चो. तो यू हैव वैल्यू इन रुपीज 12,000 and 4800. Right. तो जो इस तरह से आपके पास ये टोटल वैल्यू आ गई है. ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी. और बच्चों यही वाला अमाउंट यहां पर यानी कि हमारे प्रोसेस अकाउंट में यूज किया जाएगा. तो जो ये हमने कैलकुलेट की है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यूशन, ऐसे हम लोग किसकी वैल्यूशन फाइंड करेंगे? प्रोसेस थ्री गुड्स की. प्रोसेस थ्री गुड्स. राइट, इसमें भी क्या क्या यूज होगा? मटेरियल वन, मटेरियल टू एंड लेबर एंड ओवरहेड्स. ठीक है, और बच्चों आपके पास मटेरियल वन हमारे प्रोसेस थ्री में कितने यूज हुए हैं? 51,000 तीनों के तीनों इक्विवेलेंट यूनिट्स 51,000 ही हैं. तो आप 51,000 ही यूज करेंगे एंड इसकी वैल्यूशन ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं 633. सो मल्टीप्लाई कर दिया. राइट, सो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई नाउ. मल्टीप्लाई बाय 6, इट्स 306,000 एंड अगेन 51,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 153,000. सो यहां पर आपके पास आ जाएगा 612,000. और वो जो सबसे लास्ट में हमें क्या वैल्यूशन फाइंड, किस चीज की वैल्यूशन फाइंड करनी है? एबनॉर्मल गेन की. तो हम लोग एबनॉर्मल गेन की भी वैल्यूशन फाइंड कर लेंगे. राइट, एबनॉर्मल गेन की वैल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसमें. आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा. एबनॉर्मल गेन कंपोनेंट मेटेरियल वन
मेटल टू लेबर एंड ओवरहेड्स, राइट। अब जो एबनॉर्मल गेन, यूनिट्स कितनी कितनी, 200 यूनिट्स ही हैं, सो 200 200 200, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इट्स 6 3 एंड 3, तो इट्स 1200 600 एंड 600। अब जो टोटल आ जाता है यहां पर 2400, और ये 2400 हमारे पास वैल्यूशन आ जाएगी किसकी, एबनॉर्मल गेन की। और बच्चों आप लास्ट में जब इसकी क्लोजिंग करेंगे तो आपका प्रोसेस अकाउंट भी दोनों साइड्स पे टैली हो जाएगा, राइट। सो दिस इज फोर्थ ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोसेस एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स, प्लीज कॉपी दिस एंड देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।